एक अखबार के एडिटर हैं, और इस तरह का हल्का बयान उनको कम से कम नहीं देना चाहिए, उनको तो शर्माना चाहिए। बुजुर्ग आदमी पर इस तरह का मतलब शर्मनाक आरोप लगाना ये काफी निंदनीय है। इस बीच सुशांत के पिता पर आरोप लगाने के मामले में घिरे शिवसेना नेता संजय राउत ने सफाई देते हुए कहा कि अगर उनसे किसी बात के दौरान कोई गलती हुई है तो वो उसके बारे में सोच सकते हैं। संजय राउत ने कहा उन्होंने अपनी जानकारी के आधार पर बयान दिया था। अगर मुझे लगता है कि हमसे कोई चूक हो गई है तो मैं जरूर उस बारे में सोचूंगा, लेकिन मुझे देखना पड़ेगा। मेरे पास जो जानकारी है वो जानकारी के आधार पर मैं बोलता हूँ। जैसे परिवार के पास कुछ जानकारी है और उस आधार से बिहार से वो आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, तो वो दो शादी वाले पे आक्षेप है। देखिए आप बार बार वो बात मत करिए, आप क्या करना चाहते हैं उसी आधार पे नोटिस बोल रहे हैं। देखिए वो हम देखेंगे, परिवार और हम देखेंगे जी। और आपको मीडिया को उसमें घुस में आने की जरूरत नहीं है। आशीष सिंह हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आशीष, सिद्धार्थ पठानी जिस तरीके से उन्होंने भी जानकारी दी थी कि चाबी वाले को बुलाकर दरवाजा तोड़ा गया, चाबी वाले का बयान दर्ज किया गया, उसने ये जानकारी दी कि दरवाजा तोड़ने के बाद दरवाजा उसके सामने नहीं खोला गया था, उसको पहले नीचे भेजा गया और उसके बाद दरवाजे को खोला गया। जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में सबसे अहम बात यह है कि बिहार पुलिस को दो लोगों को सौंपा नहीं गया, पुलिस ने उनके बारे में जानकारी नहीं दी थी। एक चाबी वाला था और दूसरा इस केस से जुड़ा हुआ एक जो मुख्य कहा जाए कि प्राइम विटनेस था, उसे जो है पुलिस ने उसकी जानकारी साझा नहीं की, यहां तक कि रिया का भी बयान जो है साझा नहीं किया था। इस पूरे मामले में जो मुंबई पुलिस ने अब जानकारी दी है कि चाबी वाले ने साफ तौर पर अपने बयान में बताया था कि उसे चाबी खोलने के लिए बुलाया गया था, लेकिन जैसे ही चाबी से उसने दरवाजा खोला, अनलॉक किया, तो उसे अंदर जाने नहीं दिया। सिद्धार्थ पिठानी ने उसे तुरंत नीचे भेज दिया और कहा कि ये एक सेलिब्रिटी के प्राइवेसी से जुड़ा हुआ मसला है, लिहाजा आप अंदर ना आए, हम अंदर जाएंगे। दीपेश और सिद्धार्थ पिठानी इसके बाद अंदर कमरे में जब पहुंचते हैं तो सुशांत सिंह राजपूत की जो डेड बॉडी है वो पंखे से लटकी हुई दिखाई पड़ती है। ऐसे में वो तुरंत नीतू सिंह को फोन करते हैं और जानकारी देते हैं, जिसके बाद नीतू सिंह उन्हें तुरंत कहती है कि सिद्धार्थ पिठानी को तुरंत कहती है कि सुशांत की बॉडी को नीचे उतारा जाए और ये चेक किया जाए कि कहीं जो है सुशांत की सांसें जो है रुकी तो नहीं है, उनकी जान अभी है उनके शरीर में या नहीं। इसी वजह से उनकी बॉडी को नीचे उतार लिया गया था और यही बयान जो है मुंबई पुलिस को दिया गया था। लेकिन इस पूरे मामले में अंदर कमरे में क्या हुआ उसके केवल दो ही लोग विटनेस मुख्य रूप से थे, जो एक सिद्धार्थ पिठानी और दूसरा दीपेश सावंत। उनका बयान ही काफी अहम हो जाता है इस पूरे मामले में, क्योंकि मीतू सिंह भी जो सुशांत सिंह राजपूत है उनकी बॉडी उतारने के 10 मिनट बाद पहुंची थी और मुंबई पुलिस तकरीबन आधे घंटे बाद पहुंची थी। आशीष आप नजर बनाए रखिएगा। वहीं सुशांत सिंह